कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है और बारंबार ये देखा भी गया है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लगभग सभी जो दल यूपी में है उनके साथ में उनका गठबंधन रहा है, सरकार उन्होंने चलाई है। एक बार फिर से जब ये लग रहा है कि क्या मायावती का अब अकेले भविष्य यूपी में कुछ बेहतर है, तो अगर आप आंकड़े गौर करेंगे, अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो पता लगेगा कि मायावती अकेली रेस में कहने की बहुत पिछड़ जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी और इसी लब उनकी नैया यूपी में थोड़ा बहुत पार हो सकती है, क्योंकि जो 80 सीटों का तिलिस्म है उसमें से बीजेपी को अगर रोकना है, उनके लगातार जिस तरह से उनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है उसको अगर अंकुश लगाना है, तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि अगर बसपा और सपा मिलते हैं तो, और कांग्रेस साथ में मिलते हैं, आरएलडी साथ में मिलती है, तो ये तीनों चारों का जो वोट बैंक है कुछ हद तक बीजेपी की जीत पर अंकुश लगा सकता है अगर बीजेपी। चौबीस की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। ऐसे में इन लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासत काफी तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो केंद्र की मोदी सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत नहीं बल्कि महागठबंधन इंडिया की जीत होगी। ऐसे में इस इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल कराए जाने के प्रयास भी जारी हैं, तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी? आखिरकार मायावती का अगला अहम फैसला क्या होगा? अगर वह फैसला लेती हैं तो वह कौन सी तारीख हो सकती है? अब देखा जाए, इस सियासत के बीच मायावती को लेकर एक और अहम दावा किया जा रहा है कि अब मायावती जनवरी के महीने में भी ऐलान करती हुई नजर आ सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल ऐसे सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन काफी नजदीक है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ ठीक उसके अगले दिन ही 15 जनवरी को मायावती अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हुई नजर आएंगी और चर्चाएं ये चल रही हैं कि मायावती अपने जन्मदिन पर एक खास ऐलान कर सकती हैं कि वह किस राजनीतिक दल से जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस सियासत को लेकर जो राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जानकारी दे दे दर्शकों को कि बीते पिछले साल जन्मदिन के मौके पर ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ तौर पर की थी, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, लेकिन उनकी पार्टी अकेले ही अपने दम पर इन चुनाव को लड़ेगी। तो क्या मायावती ने जिस तरह से पहले जन्मदिन पर ऐलान किया और अब देखा जा माफ़ कीजिए बीते पिछले जन्मदिन पर ऐलान किया और अब देखा जाए तो 24 की शुरुआत हो चुकी है, क्या उनकी रणनीति में बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया कि ये राजनीति है और यहाँ पर कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, बिल्कुल आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि यहाँ पर कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है और बारंबार ये देखा भी गया है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लगभग सभी जो दल यूपी में है उनके साथ में उनका गठबंधन रहा है, सरकार उन्होंने चलाई है। एक बार फिर से जब ये लग रहा है कि क्या मायावती का अब अकेले भविष्य यूपी में कुछ बेहतर है, तो अगर आप आंकड़े गौर करेंगे, अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो पता लगेगा कि मायावती अकेली रेस में कहने की बहुत पिछड़ जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी और इसीलिए लगातार उनको लेकर चर्चा है कि या तो वो एनडीए में जाएं या फिर वो इंडी गठबंधन में शामिल हों। और जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि हो सकता है बीजेपी उनको उतनी तवज्जो ना दे, इसीलिए लगा ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन का रुख कर सकती है, इंडी गठबंधन में वो शामिल हो सकती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सपा और बसपा ने मिलकर 2019 में लगभग 15 सीटें जीती थी, जो अपने आप में बताता है कि अगर सपा और बसपा मिलती हैं तो यूपी में उनका इंपैक्ट रहता है। तो मुझे लगता है कि इस एंगल से कहीं ना कहीं जो मायावती हैं इस जन्मदिन के मौके पर हो सकता है कोई बड़ा ऐलान कर दें, और इंडी गठबंधन भी लगातार सोच रहा है कि मायावती अगर आती हैं तब उनकी नैया यूपी में थोड़ा बहुत पार हो सकती है, क्योंकि जो 80 सीटों का तिलिस्म है उसमें से बीजेपी को अगर रोकना है, उनके लगातार जिस तरह से उनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है उसको अगर अंकुश लगाना है, तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि अगर बसपा और सपा मिलते हैं तो, और कांग्रेस साथ में मिलते हैं, आरएलडी साथ में मिलती है, तो ये तीनों चारों का जो वोट बैंक है कुछ हद तक बीजेपी की जीत पर अंकुश लगा सकता है। अगर बीजेपी यहाँ पर 50 सीटों के आसपास सिमटती है और 30 सीटों पर ये दोनों तीनों दल निकल कर सामने आ जाते हैं तो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में स्थिति बीजेपी की उतनी बेटर नहीं है। ऐसे में यूपी पर सबसे अधिक ध्यान है कि अगर यहाँ से बीजेपी 70 के आसपास
सीट जीती है, तो अगर बाकी राज्यों में अगर 10-5 सीटें इधर उधर भी हुई तो बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यूपी में जहाँ पर उनका डंका बसता रहा 2014 से 19 के चुनाव में भी, और एक बार फिर से वो यही कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में भी यूपी से कम 70 से 72 या 75 के बीच में सीटें हासिल की जाएँ और अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, तो इसको लेकर जो मायावती हैं उनका साथ में आना मेरे ख्याल से एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ज़रूर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, कांग्रेस और सपा में ठंती हुई नजर आ रही है इस दल के चलते, यानी कि बसपा के चलते, अगर कांग्रेस वाकई में मनाने की कोशिश कर रही है मायावती को, एक बार फिर से गठबंधन करना चाहती है इस दल के साथ, तो क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से स्वीकार कर पाएगी? देखिए बिल्कुल स्वीकार करना ही पड़ेगा प्रियांशु जी, क्योंकि अगर आप 2022 का चुनाव देखें तो सपा की जो हार हुई है सीधे तौर पर वो उसके लिए काफ़ी हद तक बसपा पार्टी जिम्मेवार रही है, क्योंकि जिन जिन सीटों पर सपा मजबूत थी वहाँ पर बसपा ने उनको उनके वोट काटे हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जो कांग्रेस है और साथ में जो बसपा है, सपा है, आरएलडी है, अगर ये मिलते हैं साथ में अगर जुड़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का जो रण है वो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा और कम से कम एक जो कह सकते हैं कि पेच है वो ये फंसाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि जो बीजेपी है उसके रथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वाकई में अब देखना होगा कि मायावती यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए क्या मजबूरी में ये अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी। 15 जनवरी का इंतजार है, अब देखना होगा कि 15 जनवरी के दिन अपने जन्मदिन के मौके पर इस बार मायावती क्या कुछ बड़ा ऐलान करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।